in the back of my lane. तो फिलहाल मित्र लोगों एक बार फिर से, तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं, मतलब रुद्रपुरी है यार। हमने लोहाघाट की बस रुका यार, उसका पीछे पूरा कंपाउंड, पीछे का जो खोखा था, जैसे ये है बस, इसके पीछे का जो सीट थी वो पूरी खाली थी यार, लेकिन रुक के भी यार नहीं लगे यार। ये देखिए मित्र लोगों, 12:38 हो चुका है और हम यहाँ सुनसान इस रुद्रपुर में फंसे पड़े हैं यार। जय दोस्तों, राम राम, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 10 रात के, वैसे गुड नाइट हो गया लेकिन गुड आफ्टरनून। तो मित्र लोगों, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो मित्र लोगों, अगर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर अन्ना में। तो मित्र लोगों, शुरू करते हैं एक नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग। तो फिलहाल अब तो रात हो चुकी है, मतलब फिर भी नया ब्लॉग। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से, मतलब इस रूम से और उत्तर प्रदेश से। आज हम ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी से। तो हम आए हैं यूपी में, रामपुर में। तो फिलहाल यहाँ कुछ भाई लोग थे तो उनसे मिलने आए थे। तो फिलहाल यहाँ की गर्मी की बात की जाए तो यार मित्र लोगों, इतना गर्म ना यहाँ। अभी तक काफ़ी इन्जॉय किया, मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मेरे में चार्ज नहीं था। हमने फर्स्ट क्लास यहाँ पर आए, मीट हीट लाए, ऐसे मार्केट घूमे, मीट हीट बनाया हमने, चिकन डांस वांस किया, इन्जॉय किया फुल, तो उसका मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। क्षमा मांगेंगे हम आपसे, क्षमा चाहेंगे। तो फिलहाल चलते आगे। तो ये देखिए मित्र लोगों, पीएस भाई से विदा लेके अब चलते हैं। पीएस भाई मिलने आएंगे, देखिए निखिल भाई, परा भाई और उस्ताद जी से मिलकर काफी बढ़िया लगा हमें उस्ताद जी। ठीक है, मिलते हैं उस्ताद जी। तो ये देखिए, और ये कूलर, इसकी मदद से हम यहाँ पर विश्राम कर रहे कुछ देर। तो इस रूम से विदा लेके चलते हैं, हवा खा रहे हैं। देखिए एक बार यहाँ से आपको बाहर का थोड़ा नज़ारा दिखाता हूँ किस प्रकार का है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है। और आयुष भाई और हेम भाई, ये देखिए हेम भाई कैसा लगा? मज़े आ गए। देखिए और यहाँ पर ये किचन है ये वाला, और यहाँ पर लेटरिन बाथरूम है, और यहाँ पर नल है, और यहाँ का जो सीन है कुछ इस प्रकार का है देखिए। तो फिलहाल मित्र लोगों, अभी देखते हैं, मतलब समथिंग अभी 10:30 ही हो रहा है, तो अभी देखते हैं, मतलब रात में अभी हम घर को जा रहे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से चंपा की तरफ। तो हमें देखते हैं कि बसेस मिलती है कि खाली हाथ वापस आते हैं। तो जहाँ तक वैसे मिल भी सकते हैं, नहीं भी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पहली बार हम यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। तो मतलब पहली बार नहीं, वैसे तो मैंने कर लिया उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी ऐसे बसेस में ऐसे रात 12:00 हम गए नहीं हैं। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं यहाँ से, समथिंग कितनी दूर होगा बस स्टेशन यहाँ से, उस्ताद कितनी होगा? 1-2 किलोमीटर। हाँ, दो किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं बस मिलते हैं या क्या कुछ होता है, चल ले आगे। तो फिलहाल मित्र लोगों, ये बोतल, तो बस में सफ़र करने के लिए हम थोड़ा पानी भर लेते हैं, अगर बस मिलेगी या टाइट करके बेल्ट बांध के। हाँ, चल देते हैं, तो इसमें भर लेते हैं पानी। इसमें काफ़ी बढ़िया पानी रखा है, इसमें फिल्टर रहता है एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। इसमें भर लेते हैं रात्रि के सफ़र के लिए, बस में के लिए पानी। निखिल भाई हेम भाई, ये देखिए, और एक बार आपको मिला देते हैं। ये रहे हेम भाई हमारे, और ये रहे परा भाई हमारे, ये रहे हमारे निखिल भाई, ये रहे हमारे हिमांशु भाई, ये रहे हमारे आयुष भाई, और ये अपने उस्ताद जी भाई। ये देखिए उस्ताद जी कैसा लगा आपको? बढ़िया बढ़िया। ये देखिए, तो फिलहाल यहाँ से ले चलते हैं आपको फिर से स्टेशन की वादियों में, बनी रही है ब्लॉग में। और हमारी गाड़ी है देखिए, टायर टायर बचा और गाड़ी तो फरार हो चुकी है हमारी। इसके अंदर हमने GPS लगा था, इसके चलते हमें बस टायर ही मिला है। GPS भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए GPS, यही बचा है गाड़ी में बस। पाँच लोग आ रखे इसमें, कैसे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो? कमेंट देखिए, कमेंट करें। उत्तर प्रदेश टू उत्तराखंड की वादियों में हम नीचे ग्राउंड में आ चुकी है रोड में, और यहाँ पर गली है, ये खाली गली, और यहाँ पर सभी सुनसान है। देखिए हल्की फुल्की एक दो गाड़ियाँ चल रही हैं। तो 10:30-11 बज चुका है और हम चल रहे अभी स्टेशन की तरफ। चलते हैं आगे को मित्र लोगों, फिर से आइए। तो फिलहाल मित्र लोगों, एक क्राउड देखिए, और यहाँ पर हमें मिल चुकी है ऑटो, ये इसमें बैठते हैं, और यहाँ की क्राउड देखिए हर जगह ये। तो ये मिल चुकी है हमें ऑटो, इसमें लोड हो जाते हैं, इसमें लोड। हम चले कर पिता बस स्टेशन की तरफ, और रात जगह नहीं हो रही है, और हम एक ही में बैठ रहे हैं, पता नहीं कैसे बैठे हैं, हमको भी नहीं पता। अरे बाबू, अरे बेटा यार, रिस्क नहीं लेना, फोन गिर जाएगा तो मेरी तो जायदाद संपत्ति सी में है, उससे हो जाएगी। हम ना कोई इसको पकड़ दो, दौड़ा लिया कुछ पता नहीं चला यार, छिपा देते इसको। और ये देखिए यहाँ की भूतिया हवेली, खड़ा
इससे हम काफी दूर आ चुके हैं। अभी हम जाके जाके आए थे यहाँ, काफी तगड़ी हाउ की आवाज आ रही थी और हम भाग गए। और यहाँ की नगर पालिका देखिए, ये यहीं से शायद हर जगह पानी सप्लाई होता है, शायद पानी सप्लाई होता है, उसके ऊपर टंकी भी दिख रही है ऊपर। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, तो यहाँ से भी ले चलते आपको आइए। वाह नज़ारा देखिए आप लोग, मित्र लोगों मजे लीजिए रामपुर के। पहली ब्रांड में ब्लॉग इसने कर दिए, राजस्थान एच पे मिलते हैं यहाँ पर भैया। आई थी सिंगल हार्टी रे तेरा खाका होगी कल्लो रे। ये देखिए नजारा, जो इसमें काफी लोड हो गया है, ये अभी मीट खा के आए ना, दबका के आए तो ये टाटी की है। टाटी तो हमारे भाई लोग चाहिए, लेकिन ये ऑटो टाटी की है। बेट शादी समारोह अगर खाना पीना खा के नहीं बिन्नी तो नहीं जन भाई। ये देखिए यार मॉल, यहाँ का मॉल देखिए। और ये देखिए हमारे यहाँ का सल्ले का ढाबा, रामपुर में देखा उत्तराखंड का सावा ढाबा। ये देखिए ये चीड़ का पेड़, चीड़ का पेड़ रामपुर एक मात्र है, ये जादुई चमत्कार है सीन। और ये देखिए आप पिज्जा, पिज्जा 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 गोल्डन लोन सब खा के आ चुके हैं। HDFC बैंक, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मर जाओगे तो फिर क्या करोगे, जिम 24 जाके लंबा हरी मैडम नंबर मैक्सिमम डोली है मैडम डोली। ये देखो ये अपनी हवेली रेस्टोरेंट है, तो चलो अपनी हवेली समझ के घुस जाते अंदर। ये देखो बाटा लड़कियां, बाटा रे बाटा रे लाटा रे लाटा रे, रिलैक्सो बैंक ऑफ इंडिया इंडिया बोल, ये क्या है इंडियन बैंक। हाँ ये चीज सिंगल हार्टी रे, कोई पहुंच चुका देख लेंगे हम साजा। तो मित्र लोगों आप देख सकते हैं यहाँ तो शादी में एक जान 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 रे जोले जोले पहुंच चुके। आई लव हमारा रामपुर, ये ना ये तो यहाँ से आगे को रोड है बरेली की, यहाँ से आगे को, और यहाँ से आगे को है हल्द्वानी, और हमारे जो जहाँ जाना हमने हल्द्वानी चंपा तंपा यहाँ को है, और यहाँ से यहाँ को रोड है दिल्ली दिल्ली की। तो ये है यहाँ का जंक्शन ही मान लो एक हिसाब से, वैसे क्या कहते हैं उसे स्टेशन, मतलब स्टेशन यहाँ है, बस स्टेशन यहाँ है। और यह है तिराहा, यहाँ का तिराहा है यार, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से तिराहा है। ये देखिए तो फिलहाल मेरे पैर में भी लग गया है यार मित्र लोग, अच्छी यहाँ पर घुटने में लग गया, काफ़ी दर्द हो रही है। तो फिलहाल चलते आगे को, आप देखते हैं बस मिलती है कि नहीं। तो फिलहाल यार मित्र लोगों बस रोकी नहीं यार उन लोगों ने, यार पूरी खाली थी बस लेकिन रोकी नहीं यार, ये गलत बात है। चलो कोई बात नहीं, देखते आप क्या कुछ करते हैं। मिल गई हमें बस, बस बस रुद्रपुर के लिए है ये, मतलब हल्द्वानी तक जाएगी लेकिन हम रुद्रपुर में उतर जाएंगे। ये देखिए चलते आगे को, अभी इस बस से ट्रैवल करते हैं। तो फिलहाल मित्र लोगों अभी बज रहे हैं लगभग 12:30, और अभी हम हैं रुद्रपुर। यहाँ से अभी हम ढूंढ रहे हैं लोहाघाट बस डिपो, काफ़ी तगड़ी नींद आ रही थी यार, लेकिन उठ गए हम और फटाक से रोस्ट को क्रॉस कर लिया हमने। तो अब हमने ढूंढनी है लोहाघाट डिपो बस, ढूंढते हैं लोहाघाट डिपो बस, उसमें बैठ के फिर सफ़र करते हैं आइए। तो फिलहाल मित्र लोगों एक बार फिर से, तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मतलब रुद्रपुरी है यार, हमने लोहाघाट की बस रुकाई यार, उसका पीछे पूरा कंपाउंड, पीछे का जो खोखा था जैसे ये है बस, इसके पीछे का जो सीट थी वो पूरी खाली थी यार, लेकिन रुक के भी यार नहीं लगे यार। हम यही कहना चाहेंगे कि एक उत्तराखंड की, मतलब उत्तराखंड की जो परिवहन व्यवस्था है ये बसेस वाली उतनी अच्छी खास लगी नहीं हमें यार। और एक पिथौरागढ़ की भी बस रुकी, वो भी मतलब उसमें भी जगह थी लेकिन उसमें भी नहीं लगे यार। रात अभी समथिंग बज रहा है, 12:30 बज चुके हैं। और हेम भाई कुछ कहना चाहोगे यार, कैसी व्यवस्था है ये? 12:30 बजे हैं, ये देखो यार इनका ब्राइटनेस बढ़ो, 12:30 बज चुके हैं मित्र लोगों, मजाक नहीं कर रहे हम। ये देखिए मित्र लोगों 12:38 हो चुका है और हम यहाँ सुनसान इस रुद्रपुर में फंसे पड़े हैं यार। अब यहाँ मैं साथ वालों के लिए फोन करूँ तो कैसे करूँ यार, खून पीने दो इनको भी थोड़ा। मच्छर भी चटका रहे हैं, हाफ में हम फिरिए हैं, और अब यहाँ रुद्रपुर में कहाँ साथ वालों के लिए फ़ोन करूँ मैं यार, पता नहीं है ना, नहीं तो फ़ोन भी कर लेते हैं। अब खाली फंस पड़े हैं यार, और
रात के 7 बजे नींद अलग से आ रही है, मच्छर अलग से चटका रहे हैं, और हमारा गाड़ी भी नहीं मिल रही है, बस भी धोखा दे गई है। अब हमारा मूड घूमेगा तो हम पहले पैदल यात्रा करेंगे, गाड़ी आड़ी नहीं परा वाले डिप से अटे पर आप अच्छा ऑटो घुसा दे ठोक देंगे मेरे को। देखते हैं मित्र लोगों अब क्या होता है हमारे साथ। हमारे साथ बहुत लोग फंसे हैं, ये लोग भी है और ये लोग भी, और यहाँ पर ये लोग भी वे, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, बहुत लोग हैं यहाँ, मच्छर चटका रहे हैं, और ये ऑटो वाले ने फुल मजे लिया है। अब व्यवस्था व्यवस्था हो जाएगी, देखते हैं, ये तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, यहाँ विश्राम भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ स्टाफ भी लगा सकते हैं, देखते हैं क्या कुछ करते हैं मित्र लोगों। काफ़ी गंदा सीन हो गया यार, ये परा भाई ने उठा दी, पलटा दूँ क्या टायर से, वैसे उठ जाएगी। हाँ मिल चुकी है टनकपुर की बस, बड़ी मुश्किल से, इसी में सफर करो, पीछे अपने भाई लोग। आखिरकार बस मिली गई 1 बजे, 1 बजे बस में सफर। तो फिलहाल मित्र लोगों अभी बज रहे हैं लगभग 4:30 हो चुका है, तो आधा घंटे यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं हम टनकपुर में। यहाँ पर सभी जितनी भी बसें सभी यहीं पर रुकी है, क्योंकि अभी इस टाइम फाटक जो होता है वो बंद होता है, तो अब क्या करें फिर, अब इतना हल्का फुल्का ये बता दिया, तो अभी चलते हैं यहाँ से, 4 बजे को जाएंगे यहाँ से। तो फिलहाल मित्र लोगों चलते हैं, जैसे ही 4 बजे का फिर से चल देंगे आगे को, ऐसे ही बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जावल शिव भगवान की मूर्ति लगी पड़ी है, जय भोले बोले हम बोले। तो पहुँचा, तो टनकपुर से चलते हैं अब यहाँ लोहा घाट को, तो दिखाते हैं अभी रास्ते में हमारे साथ क्या क्या होता है, तो बने रहे ब्लॉक में। तो फिर से मॉर्निंग में सफ़र, अभी बज रहे हैं लगभग 6:30 और हम पहुंच चुके हैं क्या कहते हैं चलती से ऊपर, और ये देखिए यहाँ का नज़ारा और बाहर का नज़ारा। हाँ चार निकल भाई, रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत तगड़ा था, इन्होंने सुनी भी नहीं दिया। पहले हमने किया तो कुछ नहीं, अब ये कर रहे थे तो नींद भी नहीं आई। जब डांट फटकार पड़ी हमारी तरफ से तो सब साथ, क्या नींद आई यार, सीधे सुबह उठी अभी। ये नजारा तो हम अपने वापस पहाड़ में आ चुके हैं, पहाड़ों की वादियों में, वहाँ गर्मी लग रही थी, यहाँ पे ठंडी लगने लग गई है। यहाँ पर ना तो ले चलते हैं आपको लोहाघाट की वादियों में। तो फिलहाल मित्र लोगों फाइनली पहुँच चुके हम लोहाघाट, पीछे का नज़ारा, तो बड़ी मुश्किल से पहुँचे यार यहाँ, रात बैठे मतलब 12:30 बजे से अभी पहुँच रहे हैं। रात का जो सफ़र था काफ़ी भयंकर था, और निर्भंगी भी लगी है काफ़ी तगड़ी, शरीर उजाल काफ़ी तगड़ा रहे। अब यहाँ से आँखें खोले नहीं खुल रही हैं। हाँ ये देखिए निखिल भाई, यो आखिरकार पहुँच गए। अब फिर भी यही कहना चाहेंगे कि जो परिवहन व्यवस्था उसमें थोड़ा सुधार करिए, और तो सब बढ़िया है। रहे हैं जैसे वह हाँ क्या करें। तो फिलहाल अब चलते हैं मित्र लोग आगे को, तो यहाँ पर काका की गाड़ी मिल चुकी है, काकी गाड़ी में हम जा रहे हैं। ओ काका आप सवार नोहनी ने, आप नोहनी बोलिए। देखिए तो यहाँ से ले चलते हैं आपको सीधे खेतकान की वादियों में। आइए फिलहाल मित्र लोग फाइनली पहुँच चुके हैं फिर से खेतीकान, ये बहुत भयंकर नींद क्या आ रही है, तगड़ी नींद आ रही है। तो अब चल लिया हम घर को, चलते घर को। फिलहाल मित्र लोगों पहुंच चुका हूं मैं घर, बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद हम पहुंच चुके हैं घर, और पैर में भी काफ़ी दर्द हो रही है, घुटने में कल कह रहा था कि गिर गया था मैं, लग गई। तो फिलहाल ये था सफ़र उत्तर प्रदेश से लेके चंपावत तक का। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं मित्र लोगों, अगर आप सभी को वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।